नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन पंचाल। हाल ही में बंगाल में इस प्रदेश के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा का समापन हुआ। इसके बाद शक्ति के एक और रूप मां काली की पूजा की जाएगी। बंगाल में मां काली के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। बंगाल के इतिहास में मां काली के कई साधक हुए हैं। इनमें साधक बामा खोपा का सबसे पहले आता है। औद्योगिक क्षेत्र जामुड़िया में भी साधक बामा खोपा के चरण पड़े थे। भक्त बामा खोपा द्वारा पूजी जाने वाली महिषापुरी माँ काली आज भी जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के आकर्षणों में से एक है। यहाँ माँ काली के साथ भक्त बामा खोपा की पूजा की जाती है। जामुड़िया थाना क्षेत्र के इकरा गांव के पास जंगल में महिषावरी काली माँ मंदिर स्थित है। इकरा गांव निवासी अक्षय बंध्योपाध्याय ने कहा कि बामा खोपा ने सबसे पहले अपने प्रिय और प्रमुख शिष्य ऋषिकेश चट्टोपाध्याय के घर इकरा गांव में सोमवार 30 अक्टूबर 1906 बांग्ला 5 कार्तिक 1313 को बंगाल में प्रवेश किया। वो इकरा गांव में 5 कार्तिक से 8 कार्तिक तक 4 दिनों तक रहे। उस समय बामदेव जंगल में एक अश्वत्थ पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। बामदेव के प्रमुख शिष्य ऋषिकेश चट्टोपाध्याय के घर में बामदेव की त्रिशूल माला सहित कई वस्तुएं थी। बाद में उन्हें बामदेव के संग्रह में ले लिया गया। इस पूजा के लिए पूरा गांव साल भर इंतजार करता है। पूजा के अगले दिन सभी वर्गों के लोगों को खिचड़ी खिलाई जाती है। आम लोगों की सहज भागीदारी से इस पूजा की परंपरा आज भी बरकरार है।